हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें एक चैप्टर है क्लास, वैसे तो किसी क्लास में है नहीं ये, लेकिन बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन है या फिर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कुछ भी है, कहीं भी है, तो ये हमारा टॉपिक हर जगह यूज़ होता है, लॉग। लॉग क्या होता है? तो आज की जो मेरी क्लास है वो मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया बताऊंगा लॉग के बारे में, कि लॉग क्या है, कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लॉग का कैसे कैसे यूज़ होता है, तो ये हम देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं लॉग। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि बचपन में हमको टीचर ने ये पढ़ाया था 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। ये होता है कि नहीं होता? फिर थोड़े से बड़े हो गए, टीचर ने बोला 3 पावर 2। 3 पावर 2 क्या होता है? 9। ये भी क्लियर है। और थोड़े से बड़े हो गए, 5 पावर 3। 5 पावर 3 क्या होता है? 125। तो ये सब क्लास 6th, 7th, 5th में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या? 8। 3 पावर 2 इज इक्वल टू क्या? 9। सिमिलरली 5 पावर 3 इज इक्वल टू क्या? 125। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने सीखा था। और थोड़े से बड़े हो गए, 9 पावर 2 क्या होता है? 81। अब क्लास 8th की बात करते हैं। क्लास 8th में क्या था, टीचर ने हमको ये बोला कि 2 की पावर क्या रखूं कि 8 आ जाए, है ना? अब क्वेश्चन चेंज हो गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मैं 2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि मेरा आंसर 8 आ जाए, तो आंसर क्या आया? 3। सिमिलरली यहां से बेटा बताइए, 3 की पावर क्या रखूं कि 9 आ जाए? 2। और ऐसे अगर मैं 5 की पावर क्या रखूं कि 125 आ जाए? 3। तो ये सब बेसिक आइडिया थे हमारे, क्या होता क्या नहीं होता। अब आप मुझे ये देख के ये बताओ कि ये सब जो चीजें मैंने पढ़ाई है ये किस टॉपिक की क्वेश्चंस हैं? अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली हमारा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सब कुछ क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। तो लॉग का जो बेसिक मीनिंग क्या होता है? पावर। लॉग का मीनिंग क्या होता है? पावर। तो जो जो प्रॉपर्टी हमारी एक्सपोनेंट एंड पावर की थी, वही वही सारी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? लॉग की भी होगी। एक चीज और, लॉग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उसको हमको क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करना होता है, उसके लिए हमारा बेसिकली लॉग का यूज होता है। तो मैं आपको आज सिर्फ लॉग की 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा। उस 3 प्रॉपर्टी के बाद क्लास 11th और 12th में जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं लॉग के, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को अभी क्या कहा, 2 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 8। तो अगर मुझे इसी स्टेटमेंट को लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग 2 8 इज इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसी को अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लॉग 2 8 इज इक्वल टू 3। अब ये तो बात आ गई स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आया यही मेरे पास कि लॉग 2 8 क्या होता है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहला रूल क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहला रूल क्या होता है, इसको लॉग का बेस बोलते हैं और ये लॉग 8 है। तो कैसे बोलना है, क्वेश्चन कोई भी आया, लॉग 2 8, हमें बोलना क्या है कि मैं 2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 8 आ जाए। बेटा देखो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि देखो ये बेस 2 है, ये 8 है, 2 की ऐसी मैं क्या पावर रखूं कि 8 आ जाए, तो बताओ क्या आएगा? 3। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, लॉग 381, आप बताइए बेटा, स्टेट आंसर नहीं चाहिए मुझे, स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट क्या आएगा? 3 की पावर क्या रखूं कि 81 आ जाए? नहीं ऐसे मच, देखो बेस 3, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 3 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 81 आ जाए, क्या बोलेंगे हम? 4। बिल्कुल ठीक है, तो 3 की पावर क्या रखूं कि 81 आ जाए, क्लियर है बात ये। एक और करते हैं, लॉग 525, आंसर नहीं चाहिए, स्टेटमेंट बोलेंगे 5 की पावर क्या रखूं कि 25 आ जाए, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25, तो आंसर क्या आ गया? 2। तो ये मेरा बेसिक लॉग का मतलब है। अब अगर सपोज मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, तो डिफरेंशिएशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे आएंगे, लॉग
एक्स एक्स आंसर दीजिए, स्टेटमेंट बोलेंगे एक्स की ऐसी क्या पावर रखूं कि एक्स आ जाए, तो बेटा क्या बोलेंगे हम, वन। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात ये। एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लो मैंने बोला लॉग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मुझे आंसर नहीं चाहिए, स्टेटमेंट बोलेंगे x स्क्वायर की क्या पावर रखूंगी x क्यूब आ जाए, है ना, x की पावर 2 की क्या पावर रखूंगी x की पावर 3 आ जाए, क्या बोलेंगे, 3/2। तो ये मेरा बेसिक लॉग का मतलब है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि जब बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे हम, तो हम लॉग में कैसे करेंगे। ये बेसिक क्लियर है, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, मान लो क्वेश्चन ये आ गया लॉग 100,000, मान लो ये सॉल्व करना है, तो अभी मेरा एक ही रूल सिखाया आप लोगों को मैंने, क्या कि 100 की पावर क्या रखूं कि 1000 आ जाए। बेटा स्टेटमेंट को पढ़ो, 100 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 1000 आ जाए। इसको थोड़ी देर में करते हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉग 48, मान लो ये क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 4 की ऐसी क्या पावर रखूं कि 8 आ जाए, तो ऐसा बेटा कुछ नहीं होता, क्योंकि 4 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो दिक्कत आ रही है। तो जब जब ऐसी दिक्कत आएगी तो आप लोगों को क्या करना है, एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। बेटा लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलनी है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। ऊपर क्या 8, तो क्या लिखेंगे लॉग 8, नीचे क्या बेटा 4, तो क्या लिखेंगे log 4। क्लियर है बात, क्या बोला मैंने, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो log 8 अपॉन log 4। अब तुम लोगों को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के टेबल में आता हो, मतलब दोनों इसके टेबल में आते हो, तो 2 आता है ऐसा, तो मैंने यहां पर मर्जी से 2 लगा लिया, तो बेटा जो हम ऊपर लगाएंगे वही नीचे आएगा, या फिर जो नीचे लगाएंगे वही ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि यहां 2 यहां 5, ऐसा नहीं हो सकता, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो स्टेटमेंट क्या पढ़ेंगे, फिर से बोलो, आंसर नहीं चाहिए मुझे, स्टेटमेंट चाहिए, बोलो इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ बोल, तू बोल इसकी स्टेटमेंट, 2 की पावर क्या रखूंगी 8 आ जाए, है ना, 2 की पावर क्या रखूंगी 8 आ जाए, क्या बोलेंगे बेटा 3 अपॉन, इस स्टेटमेंट को बोलो, क्या बोलेंगे इसको, कि 2 की पावर क्या रखूंगी 4 आ जाए, तो क्या बोलूं 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3/2। नहीं आई मेरी बात समझ, इसको देखते हैं, 100,000, तो स्टेटमेंट पहले क्या बोलेंगे कि 100 की पावर क्या रखेगी 1000 आ जाए, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो फिर से वही प्रॉपर्टी, क्या ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। क्लियर है बात यहां तक। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में आता हो, तो क्या बोलेंगे 10। अब स्टेटमेंट बोलेंगे 10 की पावर क्या रखूं कि 1000 आ जाए, है ना, 10 की पावर क्या रखेगी 1000 आ जाए, क्या बोलेंगे 3 अपॉन, सिमिलरली 10 की पावर क्या रखूंगी 100 आ जाए 2, तो बेटा आंसर 3/2। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ अभी दो चीजें बताई हैं कि लॉग को सिंप्लीफाई कैसे करना, बोलना कैसे है, कि इसकी पावर क्या रखूं कि ये आ जाए, और दूसरी चीज क्या बोली मैंने आप लोगों को कि ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। तो ये बेसिक दो लॉग की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए मान लो क्वेश्चन है लॉग ई एक्स इज इक्वल टू 1, मान लो ये हमें कभी भी अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी अभी क्या सिखाई है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी पावर क्या रखूंगी ये आ जाए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई आपको मैंने, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, सिर्फ लॉग की तीन ही प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये देखिए क्या है, जब भी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है लॉग से, तो बेटा तीर चला दो, है ना, तीर का मतलब एरो, है ना, तीर चला दो। तीर कैसे चलाते हैं, ऐसे। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करूंगा क्या है, e की पावर 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया e। नहीं है मेरी बात समझ, एक और ट्राई करते हैं, log 2x इज इक्वल टू 3, हमें उसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो कुछ नहीं करना बेटा, तीर चला देनी है, तीर चलाओ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3, x इज इक्वल टू 8, ये मेरा आंसर है। तो मैंने आप लोगों को बेसिक तीन रूल बता दिए,
तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी वैल्यू फाइंड करनी है लॉग को हटाना है तो तीर चला दो, ठीक है। तो e is equal to, x is equal to e की पावर 1, सिमिलरली log 2x तो x is equal to 2 पावर 3 8। तो ये आपको मैंने तीन सिंपल तरीके बताए लॉग को कैसे सॉल्व करना है। अब आपको मैं आपको दो तीन प्रॉपर्टी बताता हूँ लॉग की जो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला है कि लॉग का मतलब क्या होता है, पावर। तो अगर लॉग का मतलब पावर होता है तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज की वही होंगी जो जो पावर की होंगी। तो बचपन में हम लोगों ने ये पढ़ा था 10 पावर a इंटू 10 पावर, नहीं ऐसे नहीं करते, a पावर 10 इंटू a पावर 5। बताओ बेटा, तू बता भाई, a पावर 10 इंटू a पावर 5 क्या हुआ? कुछ बच्चे इसको बोलते हैं a पावर 15। तो बेटा 15 बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको 15 नहीं बोलना, हम क्या बोलेंगे, जैसे इसने बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि a पावर 10 प्लस 5। बेटा मल्टीप्लिकेशन था, किसमें कन्वर्ट हुआ? एडिशन में, है ना? प्रॉपर्टी है ना एक्सपोनेंट की कि मल्टीप्लिकेशन किसमें कन्वर्ट होगा? एडिशन में। तो लॉग में भी यही प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग a इंटू बी, बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसमें कन्वर्ट होंगे? एडिशन में। क्या बोलेंगे? लॉग a प्लस लॉग b। तो जब भी मैं बात करूंगा कि लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, लॉग क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। सिमिलरली अगर लॉग ऐड हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी a पावर 10 अपॉन a पावर 5, क्या बोलेंगे इसको, a पावर 10 माइनस 5। तो बेटा डिवीजन किसमें कन्वर्ट हुआ? सब्ट्रैक्शन में। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो डिवीजन किसमें कन्वर्ट हो गया? सब्ट्रैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी log x पावर m, बेटा जो भी माथे पे होगा ना, जो भी माथे पे होता है ना वो पीछे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, m log x। जो पावर होगी वो कहां आ जाएगी? पीछे आ जाएगी। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना क्या गलत कर देते हैं, log a प्लस बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, ये नहीं होता, गलत है ये, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। log a प्लस बी कभी भी log a प्लस log b के इक्वल नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं log a माइनस बी, तो ये क्या बन गया, log a माइनस log b, ये भी नहीं होता, ये तो गलत प्रॉपर्टी है। आप लोगों को सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये तीन प्रॉपर्टी हमारे लॉग से रिलेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जो काम आएगा आपके क्लास 12th में, चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पे काम आएगा। एक प्रॉपर्टी होती है a log bc इज इक्वल टू a log bc। तो बेटा ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये ऐसी कैसी रहेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, c log ba, ये ध्यान रखना। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, e log x, log के बेस में मैथ में हमेशा e होगा, e log e x। तो रूल क्या कहता है, इस x को यहां ले आओ, इस e को यहां ले जाओ, तो क्या बन गया बेटा बताएंगे, e x आ गया यहां पे, log e e। तो हम क्या बोलेंगे, अब स्टेटमेंट पढ़ो, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, e की पावर क्या रखूं कि e बन जाए 1, तो आंसर क्या आ गया, x। क्लियर है बात। एक और चीज ध्यान रखना, e 2 log x है, सपोज e 2 log x है, तो इस 2 को हम क्या कह सकते हैं, यहां जा सकते हैं, तो ऐसे e और log हट गया, आंसर क्या आ गया, x square। तो ये हमारे बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज थे, लॉग को बोलना कैसे है, लॉग को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये था। अगर बेटा हम लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया तो आपको लॉग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक दो चीजें बता देता हूं कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, सपोज मैंने बोला आपको लॉग एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू लॉग एक्स। क्लियर है बात। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करता हूं लॉग 7 प्लस लॉग 5, तो कुछ बच्चे लॉग कॉमन लेके 7 प्लस 5 12, नहीं, मैंने क्या बोला, अगर लॉग ऐड हो रहे हैं, अगर लॉग ऐड हो रहे हैं तो लॉग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो बेटा 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, लॉग 35। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं लॉग 8 माइनस लॉग 2, तो कुछ बच्चे इसको log 6 बोलेंगे, नहीं, log अगर subtract हो रहे हैं इसका मतलब बेटा क्या है कि log divide हो रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log 8 upon 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया, log 4।
तो ये मेरे बेसिक चीज थी लॉग्स के बारे में कि लॉग क्या होता है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो बच्चे क्लास 10th से 11th में आते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर मैंने ये लॉग को अच्छे से कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि हमें लॉग में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज की जो वीडियो मेरी ये थी वो लॉग के बारे में थी। आने वाली क्लासेस में मैं और वीडियोस लेके आऊंगा जिससे आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कराए जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।